नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप पवार, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय नागौर में। तो आज जो अपन इतिहास के अंतर्गत टॉपिक करेंगे वो अपन देखेंगे आर्य समाज। आर्य समाज आपके पेपर सेकंड में है, तो उसके बारे में अपन बेसिक नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, आप सभी को पता है। और दयानंद सरस्वती की जो विचारधारा थी उसका मूल आधार क्या था? ही बिलीव्ड इन द इनफॉलेबिलिटी ऑफ वेदास, यानी कि जो वेद है वो सबसे अधिक शुद्ध है, उसमें जो विचार है वो आज के समय भी काफ़ी अधिक रेलेवेंट है। बात को समझ रहे हो? तो उसने वेदों की काफ़ी तारीफ की दयानंद सरस्वती की, क्योंकि जो भारत का प्राचीन इतिहास रहा है उसमें जो हमें स्क्रिप्चर्स मिले हैं उस पर उसको पूरा यकीन था। यानी जो भी इन स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, वेदास है या अन्य कोई भी स्क्रिप्चर है, स्क्रिप्चर मतलब रिलीजियस बुक पहले की, उसमें सही बातें लिखी हुई है, उसकी सार्थकता आज के समय भी है। तो ही वॉन्टेड टू रिवाइव द पास्ट ग्लोरी अगेन, यानी जो भारत का जो सुनहरा इतिहास रहा था उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की। कैसे रिवाइव करने की कोशिश की? जो भारत की संस्कृति का मूल आधार रहे हैं जैसे वेद, वेद की प्रतिष्ठा को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की। बात को समझ रहे? पहला पॉइंट इसमें ये आएगा, ही बिलीव्ड इन इनफॉलेबिलिटी ऑफ वेद। इनफॉलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इनफॉलेबिलिटी, फॉलेबिलिटी हो गया किसी चीज़ का गिरना, और इनफॉलेबिलिटी का मतलब है कोई चीज़ गिर नहीं सकती, यानी वेद कभी गलत नहीं हो सकते हैं, जो लिखा है वेद में बिल्कुल सही है। तो उसने और कौन कौन से मुद्दे उठाए, क्योंकि एक समाज सुधारक भी था। संस्कृति को रिवाइव करने के साथ साथ स्वामी दयानंद समाज सुधारक भी था, और समाज में सुधार करने के लिए अनेक सारे मुद्दे थे उस समय में, जिसको राजा राममोहन राय ने भी उठाया, विवेकानंद ने भी उठाया। तो इसने जिन मुद्दों को उठाया उनमें था जाति प्रथा, यानी भारत में जाति प्रथा एक प्रकार की कुरीति थी उस समय में, उसके खिलाफ इसने अभियान छेड़ा, उसके खिलाफ इसने आवाज़ उठाई। ठीक है, इसके बाद दूसरा है चाइल्ड मैरिज। तो दूसरा प्रमुख मुद्दा जो स्वामी दयानंद ने उठाया वो है चाइल्ड मैरिज, यानी बाल विवाह नहीं होना चाहिए। जैसा कि अपन जानते हैं कि आज के समय में भी बाल विवाह है वो काफ़ी अधिक प्रचलन में है, खासकर राजस्थान में। तो उस समय ये कुरीति बहुत ही अधिक व्यापक थी, आज के समय तो कम हो गई। तो उसके खिलाफ दयानंद ने आवाज़ उठाई। ये आपके लिए क्या पॉइंट्स हैं आंसर में लिखने के लिए, इन्हीं से आपका आंसर बिल्टअप होगा। तो उन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद उन्होंने जो अगले समाज सुधार का कार्य किया वो कौन सा मुद्दा उठाया? आइडियोलेट्री। आइडियोलेट्री का मतलब ये है कि मूर्ति पूजा का उसने विरोध किया। अब मूर्ति पूजा के बहुत सारे समाज सुधारकों ने विरोध किया है, उसका कारण क्या है? जहाँ जहाँ पर मूर्ति पूजा होती है वहाँ पर मंदिर बनाए जाते हैं, फिर धार्मिक कर्मकांड आ जाते हैं, फिर पुजारियों का वर्ग आ जाता है, ब्राह्मणों का वर्ग आ जाता है, और ब्राह्मण एक प्रकार से लोगों का धर्म के मुद्दे पर शोषण करना शुरू कर देते हैं। तो इसको एक कुरीति समझा गया उस समय के अंदर, और जो मूर्ति प्रथा है उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। फिर अगला जो उसने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया वो है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब ये अंधविश्वास, यानी भारत के जो लोग हैं उनमें अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग कई बार आगे जाना प्रेफर नहीं करते, इस प्रकार के अंधविश्वास का खात्मा होना चाहिए। तो भारत के समाज में मुख्यतः यही मुद्दे थे उस समय में, जाति प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, मूर्ति पूजा हो गई और अंधविश्वास हो गया। और इन्हीं मुद्दों को किसने उठाया? राजा राममोहन ने उठाया। तो उन्होंने लगभग सिमिलर मुद्दों पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, क्योंकि उस समय यहाँ पे सुधार की समाज में आवश्यकता थी। फिर आर्य समाज की स्थापना कब हुई? देखो, आर्य समाज की स्थापना हुई 1875। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, और बॉम्बे में हुई है 1875। बॉम्बे में ना कलकत्ता में हुई है, ना दिल्ली में हुई है, ना मद्रास में हुई है। तो जो स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ेगा वो सवाल को गलत करके जाएगा, हालांकि बहुत बेसिक और सिंपल सवाल है। तो बॉम्बे में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई दयानंद, स्वामी दयानंद के द्वारा। इसको आर्य समाजिस्ट भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो अगला सिद्धांत है जिसमें इसने यकीन किया वो यूनिटी ऑफ गॉड। यूनिटी ऑफ गॉड का क्या मतलब है? कि सभी भगवान एक है, सभी धर्मों के भगवान एक है, आप अलग अलग भगवान नहीं मान सकते, हर धर्म में उसके भगवान एक है। यानी जो फीलिंग होती है, जो भगवान के प्रति समर्पण की भावना होती है पूरे संसार में, वो एक ही है। तो उसको यूनिटी ऑफ गॉड कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। स्वामी दयानंद की जो फिलॉसफी थी, जो दर्शन थे, जो उसकी शिक्षाएँ थी, वो उसने कौन सी किताब में लिखी है? नाम पता हुआ स्वामी दयानंद की कौन सी किताब है? सत्यार्थ प्रकाश। सुना ना सबने, सत्यार्थ प्रकाश वो किताब है जिसमें दयानंद ने अपने दर्शन के बारे में जानकारी दी है और अपनी शिक्षाओं को उसमें समावेश किया है। फिर इसके बाद देखो, अगला पॉइंट है
वो है वर्नैकुलर। वर्नैकुलर का मतलब क्या है? जो स्थानीय भाषाएं थी उनको प्रमोट करने का कार्य किया, जैसे वर्नैकुलर प्रेस हो गए। प्रेस का मतलब क्या है? खूब सारे पत्र पत्रिकाएं हैं वो वर्नैकुलर भाषाओं में छपते हैं, तो उनको प्रमोट करने का कार्य किया स्वामी दयानंद ने। ठीक है, क्योंकि किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए स्थानीय भाषाओं का मजबूत होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि जो भी जानकारी, चाहे धर्म के सुधार की हो, चाहे राजनीतिक सुधार की हो, या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ हो, तो किसके माध्यम से जनता के पास पहुंचेगी? न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचेगी, और न्यूज़पेपर के माध्यम से सही तरीके से तब पहुंचेगी जब वो न्यूज़पेपर वर्नैकुलर भाषा में, तभी तो समझ आएगा। जब लोग अंग्रेजी समझ नहीं सकते तो इस केस में वर्नैकुलर जो न्यूज़पेपर है वही उनके लिए काम में आएगा। समझ गए बात को? इसलिए बहुत सारे समाज सुधारकों ने वर्नैकुलर जो स्थानीय भाषा है उसको प्रमोट करने का प्रयास किया। फिर देखो अगला जो उसने मुद्दा उठाया, अपन इस मुद्दे को भूल गए थे, अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत है उसके खिलाफ भी इसने अभियान चलाया। तो अन्य समाज सुधारकों ने भी इस समाज की कुरीति के खिलाफ अभियान चला रखा है। फिर देखो अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, आर्य समाजिस्ट में जो डॉक्टर दयानंद थे, स्वामी दयानंद थे, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही है। देखो वेस्टर्न एजुकेशन यानी पश्चिमी शिक्षा है, तो इनका भी ये मानना था कि कहीं ना कहीं पश्चिमी शिक्षा है उसमें जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो भारतीयों को भला उससे भी हो जाएगा अगर पश्चिमी भाषा को, पश्चिमी एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जाए। देखो उसने एक तरफ संस्कृति की भी बात की है और दूसरी तरफ उसने वेस्टर्न एजुकेशन की भी बात की है, तो अपन देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलने का इसने प्रयास किया है। अब जो इसने आगे बात की है वो उसने प्रीस्ट के बारे में बात की। प्रीस्ट कौन से है? जो मध्यस्थ का वर्ग था, जो मंदिर भगवान और जनता के बीच में जो मध्यस्थ का वर्ग आ गया था, पुजारी का वर्ग था, जिसको प्रीस्ट का वर्ग कहा जाता है, तो उस वर्ग की भी इसने आलोचना की और उसने एक स्टेटमेंट दिया है। तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर आप अपने एग्जाम में लिखेंगे किसी किताब से निकाल के कि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा विद इन कोट एग्जैक्ट, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस चीज़ को आपको अंडरलाइन करना चाहिए। इसने कहा इट इज़ द प्रीस्ट्स हु हैव परवर्टेड हिंदू रिलीजन विद द हेल्प ऑफ पुराण। अब देखो इसका ओपिनियन किया है, इसने कहा ये पुजारियों का वर्ग है जिसने हिंदू धर्म को खराब किया है, हिंदू धर्म में विकृति पैदा की है, और उन पुजारियों ने किसकी सहायता ली है? वेद की सहायता नहीं ली, वेदों को उसने बहुत बढ़िया माना है, इसने बोला पुराणों की सहायता ली है। तो इसके अनुसार पुराण में भारतीय संस्कृति की सही अभिव्यक्ति नहीं हुई। समझ रहे बात को? वेदों में भारतीय संस्कृति जो भारत की आत्मा है उसकी सही अभिव्यक्ति हुई है, तो उसने जो पुजारी का वर्ग है उसकी कड़ी आलोचना की। अब जिस बारे में अपन ने बात की थी वेस्टर्न एजुकेशन यानी पश्चिमी शिक्षा को उसने प्रमोट करने के लिए कहा, लेकिन एट द सेम टाइम ही वॉज नॉट अगेंस्ट ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी जो भारत की पारंपरिक भाषाएं हैं, जो पारंपरिक शिक्षाएं हैं, पारंपरिक ज्ञान है, उसके विरोध में भी इसने कुछ नहीं बोला। तभी मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं लिख सकते हैं बहुत अच्छा बैलेंस बना के चला है, पश्चिमी भाषा के महत्व को भी समझा, साथ साथ स्थानीय भाषा के महत्व को भी समझा, और पारंपरिक शिक्षा यानी वेद के आधार पर जो शिक्षा दी जाती है उसके महत्व को भी इसने समझा, तभी तो उसको एक महान समाज सुधारक कहा जाता है। अब देखो अपन राजनीतिक विचारों के बारे में बात करते हैं स्वामी दयानंद के। अब राजनीतिक विचार में जो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो स्वराज नाम का शब्द था, आपको पता है कि भारत का जो आधुनिक इतिहास रहा, आधुनिक भारत का इतिहास रहा, उसमें स्वराज शब्द का बहुत बहुत बात की गई है। स्वराज, हमें स्वराज चाहिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। देखो उसकी शुरुआत कहाँ पे हो रही है? उसकी शुरुआत बहुत पहले 1880-1875 स्वामी दयानंद के समय में हो रही है, स्वराज शब्द को कॉइन करने वाला। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हु कॉइन द वर्ड स्वराज। स्वराज शब्द को सबसे पहले सामने लाने वाला व्यक्ति था दयानंद, लेकिन उसने इसका मीनिंग डिफाइन नहीं किया। आगे चल के जिन्होंने स्वराज के बारे में बात की उसका मीनिंग तो डिफाइन किया कि स्वराज का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता है, कि स्वराज का मतलब अर्ध स्वतंत्रता है, कि जो महत्वपूर्ण मामले हैं उसमें भारतीयों का अधिकार हो, और जो डिफेंस और जो फॉरेन अफेयर्स है उसमें अंग्रेजों का अधिकार हो। इस संदर्भ में भी स्वराज की आगे चल के बात हुई है, लेकिन इसने स्वराज की बात की विदाउट डिफाइनिंग इट्स मीनिंग, इसका अर्थ बताए बिना उसने स्वराज शब्द को कॉइन किया है। कॉइन का मतलब जिसने पहली बार उसका उपयोग किया। फिर अपन सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल आस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं स्वामी दयानंद का। इसने एक शुद्धि मूवमेंट चलाया था, शुद्धि आंदोलन, आपको पता है ना, शुद्धि आंदोलन वह आंदोलन था जिसमें मुसलमान जो हिंदू थे मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे, उनको दोबारा मौका दिया कि अब अपनी शुद्धि कर सकते हो, दोबारा हिंदू धर्म में आ जाओ। तो उसका नकारात्मक आस्पेक्ट भी रहा, इसका सकारात्मक आस्पेक्ट भी रहा।
अब नकारात्मक आस्पेक्ट क्या है कि इसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक प्रकार की खाई पैदा होने लग गई, एक दूरियां पैदा होने लग गई। शुद्धि मूवमेंट उसको मुसलमान पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा ना जो हिंदू पूर्व में मुसलमान बन चुके हैं वो वापस हिंदू के फोल्ड में पुनः लौट आए। शुद्धि मूवमेंट, तो शुद्धि मूवमेंट में देखो अब इसकी व्याख्या किस प्रकार से की गई है। स्वामी दयानंद के लिए एक प्रकार का एक बड़ा हथियार था राजनीतिक एकता स्थापित करने के लिए। हालांकि जो उसके आलोचक है वो कह रहे हैं इससे राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हुई, राजनीतिक विखंडन हुआ है, लेकिन इसके अनुसार, इसके ओपिनियन में, दयानंद के ओपिनियन के अनुसार ये एक बहुत बड़ा हथियार था जिसके माध्यम से राजनीतिक एकता स्थापित की जा सकती थी। लेकिन इसको बहुत सारे आलोचकों ने गलत बताया, शुद्धि मूवमेंट को बहुत सारे आलोचकों ने उसको डिविजिव माना है। शुद्धि मूवमेंट को डिविजिव का मतलब क्या है, जो बंटवारा करता है, जो समाज में धर्मों के बीच में बंटवारा करता है। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि अब इसमें क्या डिफेंड करने की कोशिश की है स्वामी दयानंद को, क्योंकि स्वामी दयानंद के पक्ष में भी आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे ना जब शुद्धि मूवमेंट लिखोगे, दोनों आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है आंसर कि किस प्रकार से डिविजिव था, किस प्रकार से इसके अनुसार डिविजिव नहीं था। अब इसमें लिखा हुआ है कि इसने केवल उन्हीं मुसलमानों को आह्वान किया जो पूर्व में हिंदू थे और बाद में मुसलमान बन गए थे, फिर उनको दोबारा हिंदू धर्म में आने का आग्रह किया शुद्धि मूवमेंट के माध्यम से। ठीक है, उन मुसलमानों को उन्होंने नहीं कहा जो शुरू से मुसलमान रह गए आप हिंदू धर्म में आ जाओ, समझ लो एक प्रकार की घर वापसी कह सकते हैं आज के समय में कई बार उठाते हैं, केवल उन्हीं मुसलमानों को जिनके पूर्वज हिंदू रहे थे, मध्यकालीन भारत में वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। और इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट लाइन है, दोज विलिंग, इसने जोर जबरदस्ती नहीं की कि जो मुसलमान है उनको हिंदू धर्म में शामिल होना ही होना है। देखो उसके डिफेंस में पॉइंट आ रहे हैं ना, तो उसने केवल उन्हीं मुसलमानों को आह्वान किया दोबारा हिंदू धर्म में आने के लिए जो विलिंग थे, जो अपनी इच्छा से आना चाहे। बहुत बड़ी बात है कि जो जिस धर्म में जाना चाहे आज के समय में आ सकता है, पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, विलिंगनेस के साथ होना चाहिए। कोई मुसलमान बन जाओ, कोई हिंदू बन जाओ, कोई क्रिश्चियन बन जाओ, कोई सिख बन जाओ, वो सबकी अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है। तो यहाँ पे इसने जो लोग आना चाहते थे केवल उन्हीं को आमंत्रित किया। अब देखो इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि दयानंद के अनुसार उसके लिए शुद्धि मूवमेंट एक प्रकार की ताकत थी और दूसरे के अनुसार ये कमजोरी थी, समझ गया। दोनों के पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कैसे दयानंद के अनुसार एक ताकत थी और दूसरे के अनुसार वीकनेस थी। वीकनेस क्यों थी, क्योंकि डिविजिव था, ऑब्वियस मुसलमान इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे कि उनके जो लोग हैं वो हिंदू धर्म में दोबारा शामिल हो जाए। ये अपन ने एनालाइज करने की कोशिश की है जो स्वामी दयानंद का शुद्धि मूवमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे बात करते हैं स्वामी दयानंद का ऐतिहासिक रोल क्या है। ऐतिहासिक मतलब इसका महत्व किसमें है स्वामी दयानंद का। सबसे बड़ा इसका महत्व यह है कि एक्सप्लोर वेदा, उसने वेदों को अच्छी तरीके से पढ़ा, उसके महत्व को समझा और उसका जो महत्व है उसको लोगों के बीच लेके गया। तो वेदों के महत्व को उसने लोकप्रिय बनाया स्वामी दयानंद ने। एंड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि उसने हिंदू संस्कृति को वेदों के साथ जोड़ा और वेद प्राचीन भारत की संस्कृति उसका अभिन्न अंग रहे हैं, तो जो लोग वेद में दोबारा यकीन करने लग गए उनके अंदर अपनी संस्कृति के प्रति बहुत सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हुई, समझ रहे हैं बात को। तो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आई, यानी जब आपका बहुत बेहतरीन इतिहास रहा है तो आप उस चीज़ पर गर्व कर सकते हो। जैसे रोम के लोग हैं वो अपने इतिहास पर गर्व कर सकते हैं, भारत के लोग हैं अपने इतिहास पर गर्व कर सकते हैं। गर्व करने का उसने एक आधार दिया वेद लोगों को, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी आप क्या हो, क्या आपके रूट्स हैं, इसके बारे में एक सकारात्मक उत्तर दिया स्वामी दयानंद ने। इसने ऐसे समय में लोगों को सेल्फ आइडेंटिटी दी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी दी, जिस समय अंग्रेजों ने एक अभियान चला रखा था कि भारत का कोई इतिहास नहीं है, भारत के लोगों को सेल्फ रूल करना आता ही नहीं है, भारत के लोग हमेशा गुलाम बनने के लिए रहे हैं। तो उस माहौल में, उस समय में इसने लोगों को सेल्फ आइडेंटिटी दी, जब लोग फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, उनके पास अपने इतिहास में कोई गर्व करने का कोई जरिया नहीं रहा था, तो इसकी शुरुआत की। आगे चल के बहुत सारे समाज सुधारकों ने अपने इतिहास और संस्कृति की बात की लोगों में पॉजिटिविटी लाने के लिए, सकारात्मकता लाने के लिए। और इसी कारण हम देखते हैं कि आगे चल के भविष्य में जो अंग्रेजों के खिलाफ लोग निर्णायक लड़ाई लड़ सके,
यहाँ मानसिक लड़ाई है, आपको अपने इतिहास में गर्व होना चाहिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अंग्रेजी जैसे जो सत्ता है, अंग्रेजों की जो सत्ता है उसको आप चुनौती दे सकते हो। अगर आप खुद मानसिक तौर पर टूटे हुए हो तो अब अंग्रेजी जैसे जो अंग्रेज लोग हैं उनकी बहुत बड़ी सत्ता है, उसको चुनौती आप नहीं दे सकते। वही काम विवेकानंद ने किया, वही काम दयानंद ने किया। तो भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सुधारक रहे हैं जो राष्ट्रवादी थे और उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास के अनेक सुनहरे तत्वों को लोगों के सामने रखा है, जिससे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और ऐसे लोग आगे चल के किस में कन्वर्ट हुए? एक्सट्रीमिस्ट। आपको पता है ना, दो प्रकार की विचारधाराएं आई थी आगे चल के भारत के आधुनिक इतिहास में, एक्सट्रीमिस्ट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसी विचारधारा से निकल के आगे चल के जो चरमपंथी दल था वो अस्तित्व में आया था। तो उनकी जड़ें कहाँ पे जाती है? चरमपंथी के जितने भी नेता रहे उनकी जड़ें जा रही है स्वामी दयानंद की विचारधारा में। तो इसी के साथ ही हम अपना छोटा सा यहाँ पे लेक्चर समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।